अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। आधा किलो मटर, 4 स्मॉल साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के आलू, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 6 अदद हरी मिर्च। सबसे पहले मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, 1 कप। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूँगी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। अब पहले मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। थोड़ी सी देर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी मसाले को। मसाले को मैंने तकरीबन 2 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी और जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं उसे उसी कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। और कढ़ाई में ऐड करने के बाद ग्राइंडर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि सारा मसाला इजीली निकल सके। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूँगी। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, जो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है वो खुश्क होने तक। कुकिंग ऑयल इसका मैंने अलग से निकाल लिया था मसाला ग्राइंड करने से पहले। 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को भून लिया अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कुकिंग ऑयल इसमें से निकाला था वो ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से भून लूंगी तेज़ आंच पे। ऑयल डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा भुना था। अब मैं इसके अंदर मटर और साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लूंगी। आलू मटर ऐड कर लेने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया था। अब ये भून चुके हैं। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी बटर गलाने के लिए और हल्की सी ग्रेवी रखने के लिए, 1/2 जग। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसके नीचे हाई फ्लेम ऑन रखी थी, ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम करके इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी आलू मटर गलने के लिए। पच्चीस मिनट के बाद आलू मटर की रेसिपी बन के तैयार है। आलू भी गल चुके हैं और मटर भी। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसके ऊपर सूखी मेथी ऐड करूंगी खुशबू के लिए और इसका अगेन ढक्कन लगा के रख दूंगी। आलू मटर की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।